हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस में। आज के हम प्रीकेयर में हिस्ट्री में बात करेंगे तीन चीजों की, लोसार, बाहुबली और खजुराहो। तो हमने जो 2020 के लिए 2020 के लिए प्रीकेयर शुरू किया है, इसमें हिस्ट्री में हम 2018 के करंट अफेयर से शुरुआत कर रहे हैं, ताकि जब बाय द टाइम 2020 का आपको प्रीलिम्स लिखना हो, तब तक आपकी पूरी डिटेल में तैयारी हो जाए पिछले दो से ढाई साल के करंट अफेयर्स की। तो बहुत ज्यादा फैक्चुअली एनरिचिंग बनाने की कोशिश कर रहे हैं हम अपने प्रीक्योर को। तो सबसे पहले बात करते हैं लोसार की। लोसार क्या है? तिब्बतन बुद्धिज्म में एक फेस्टिवल है। किस चीज का फेस्टिवल है? न्यू ईयर्स फेस्टिवल है। कि पहला दिन जो होता है लूनी सोलर तिब्बतन कैलेंडर का, लूनी सोलर मतलब जो लूनर पोजीशन एज वेल एज सोलर पोजीशन दोनों को साथ में रख के चलता है। तो फर्स्ट डे जो है लूनी सोलर तिब्बतन कैलेंडर का, उसको मनाया जाता है लोसार। जो फर्स्ट डे होता है न्यू ईयर फेस्टिवल मनाया जाता है, और डिपेंडिंग ऑन लोकेशन फरवरी या मार्च में कोई डेट आती है कॉरेस्पॉन्डिंग टू ग्रिगोरियन कैलेंडर। इट मार्क्स द स्टार्ट ऑफ स्प्रिंग एंड द फर्स्ट डे ऑफ द लूनर कैलेंडर। और कि डिपेंडिंग कि कहां पे लोकेशन है, कहां पे आप मना रहे हैं, लद्दाख में मना रहे हैं कि नेपाल में मना रहे हैं कि सिक्किम में मना रहे हैं कि भूटान में मना रहे हैं, आपकी डेट्स वेरी करती हैं लोकेशन के हिसाब से, राइट? क्योंकि डेट जो है लूनी सोलर कैलेंडर के ऊपर बेस्ड है। देन द टर्म लोसार इज मेड ऑफ टू वर्ड्स, लो विच मीन्स ईयर एंड सार मीन्स न्यू। तो लोसार न्यू ईयर। तो फेस्टिवल जो है मनाते हैं टू वार्ड ऑफ इविल स्पिरिट्स, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, एंड वेलकम द न्यू ईयर। तो दोनों पर्पसेस हैं, जो भी सेलिब्रेशन होगी, जो भी फेस्टिविटीज होंगी, वो दोनों चीजों का ख्याल रखेंगी कि आपने कुछ रिचुअल्स परफॉर्म करने हैं टू वार्ड ऑफ इविल स्पिरिट्स, एंड कुछ आप एक्टिविटीज करते हैं टू वेलकम द इनकमिंग न्यू ईयर। एक इंपॉर्टेंट सोशल और रिलीजियस सेलिब्रेशन है ये लद्दाख में। 15 दिन लंबा फेस्टिवल है, जिसमें आप रिलीजियस जगहों को, मोनेस्ट्रीज को एज वेल एज रेजिडेंशियल प्लेसेस को इल्यूमिनेट करते हैं, एंड मोनेस्ट्रीज विजिट करते हैं प्रेयर के लिए, राइट? तो घर पे भी और आपकी रिलीजियस जगहों पे भी दोनों जगह इल्यूमिनेशन होती है और प्रेयर ऑफर होती है। तो कहीं ना कहीं आप इसको दिवाली से एसोसिएट करते हैं कि वेरी सिमिलर चीजें हैं दिवाली के। हाउसेज आर क्लीन्ड, स्ट्रीट्स आर वॉश्ड, सराउंडिंग ग्रासेस आर मोड टू इराडिकेट द इविल ओमेंस। अगेन वेरी सिमिलर टू दिवाली। एक टिपिकल मिडिल क्लास हिंदू हाउसहोल्ड में दिवाली पे ये काम तो होने ही है ना, कि घरों की सफाई, थोड़ा बहुत पेंट अगर होना है, वाइट वॉश अगर होना है, राइट? सड़कें साफ की जाती हैं। एसेंशियली वो एसोसिएट करते हैं कि जो भी इविल ओमेंस हैं, जो नेगेटिव एनर्जी है जो इकट्ठी हो गई है, उसको दूर भगाना, उसको वार्ड ऑफ करने के पर्पस से ये सब किया जाता है कि घर साफ सुथरे हो। कहते हैं ना कि जो घर सबसे साफ होगा उसी घर में लक्ष्मी आएगी। तो कहीं ना कहीं सिमिलर तरीके से दे आर ड्राइविंग द इविल स्पिरिट्स अवे बाय क्लीनिंग देयर हाउसेस, क्लीनिंग देयर सराउंडिंग्स। लद्दाखी बुद्धिस्ट जो हैं वो रिलीजियस ऑफरिंग करते हैं अपनी डिटीज के आगे, या तो डोमेस्टिक श्राइन्स में या गोम्पाज में, राइट? जो उनकी वहां पे लोकल मोनेस्ट्रीज हैं। इसके अलावा ह्यूमरस इवेंट्स किए जाते हैं। अब नया साल है, पब्लिक सेलिब्रेट कर रही है, तो लोग इकट्ठे होके कुछ इवेंट्स करते हैं, जैसे कि डांस ऑफ द डियर या बैटल्स बिटवीन द किंग एंड हिज वेरियस मिनिस्टर्स। तो ये जो है ये हाइलाइट्स हैं इस फेस्टिवल की। इसके अलावा कैरेक्टराइज्ड बाय डांसिंग, म्यूजिक एंड अ स्पिरिट ऑफ मेरी मेकिंग। तो नए साल का फेस्टिवल है तो सेलिब्रेशन वाला माहौल है। जो सेलिब्रेशंस हैं दे आर एन अमेलगमेशन ऑफ एंशिएंट रिचुअल्स, स्टेज्ड डांस ड्रामास, डांस ऑफ द आइबेक्स हिमालयन डियर, म्यूजिक, डांस एंड रेवलरी। तो बहुत ही ज्यादा धूमधाम से, शोर शराबे से, डांसेस करके, ड्रामास करके नए साल का स्वागत करते हैं लोसार के फेस्टिवल में।
हाउसेस को डेकोरेट करते हैं गुड लक साइंस के साथ। अगेन मैं आपको करलरी दे रहा हूं कि आप देख सकते हैं हिंदुइज्म में भी ये है, दिवाली के टाइम पे आप गुड लक साइंस पेंट करते हैं घरों के बाहर, प्रेयर फ्लैग्स होस्ट करते हैं रिलीजियस प्लेसेस पे टू वेलकम द न्यू ईयर। इसके अलावा आइबेक्स डियर की ऑस्पिशियस इमेजेस और बाकी कुछ ऑस्पिशियस सिंबल्स वो पेंट करते हैं आप दरवाजों पे, किचन की दीवारों पे, वुडन कॉलम्स पे टू वेलकम द न्यू ईयर, वेरी सिमिलर टू व्हाट एंटेल्स इन दिवाली। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि बुद्धिज्म का दिवाली है ये। इट इज लोसार इज मार्क्ड विद एंशियंट सेरेमनीज दैट रिप्रेजेंट द स्ट्रगल बिटवीन द गुड एंड द ईविल। कहीं ऐसा ही लग रहा है कि बुद्धिज्म की लैंग्वेज में दिवाली डिस्क्राइब करी जा रही है। तो कौन सी वो एंशियंट सेरेमनी है? एक सेरेमनी है मीथो सेरेमनी, जिसमें हंड्रेड्स की तादाद में लोग फ्लेमिंग टॉर्चेस कैरी करते हैं, प्रेयर्स चैंट करते हैं, सड़कों में परेड करते हैं और इस पूरे प्रोसेशन में ईविल स्पिरिट्स को ड्राइव अवे करते हैं, दूर भगाते हैं। कैसे? मशालों से। मशालें कैरी करके सड़कों में जाते हैं ईविल स्पिरिट्स को सड़कों से भगाने के लिए, दूर भगाने के लिए, राइट? तो ये है लोसार। गुम्पा डांस किया जाता है, एक स्पेशल डांस है जो लोसार के टाइम पे किया जाता है, यहां पे जो आप देख सकते हैं, राइट, दिस इज द गुम्पा डांस। तो लोसार के बारे में इतना ही, आगे बात करते हैं बाहुबली की, राइट? तो ये है 57 फीट का स्टैचू बाहुबली का। विद्यागिरी हिल्स में एक जगह है श्रवण बेलगोला बैंगलोर के पास, तो वहां पे ये 57 फीट लंबा मोनोलिथिक स्टैचू लॉर्ड बाहुबली का बनाया गया है। 57 फीट मोनोलिथिक स्टैचू है बाहुबली या गोमतेश्वर का। हर 12 साल बाद इसको पिलग्रिम्स विजिट करते हैं क्योंकि एक सेरेमनी होती है महामस्तक अभिषेक और दी अनॉइंटिंग ऑफ द स्टैचू। तो इस स्टैचू का महामस्तक अभिषेक होता है हर 12 साल बाद, तो इस वजह से हजारों लाखों की तादाद में जो पिलग्रिम्स हैं, श्रद्धालु हैं, वो इकट्ठे होते हैं स्टैचू के बाहर दर्शन करने के लिए। इस बारी इसका इनॉग्रेशन, इस फेस्टिवल का, प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने किया था। जो ये गोमतेश्वरों का स्टैचू है श्रवण बेलगोला में, इट वॉज बिल्ट इन 983 CE और गंगा डायनेस्टी के रूलर चामुंडा राया ने इसको कमीशन किया था। अब उन्होंने बनवाया या उनको डिवाइन इंटरवेंशन हुई कि उन्होंने डिस्कवर कर लिया, तो ये तो अभी कहना मुश्किल है, पर जितने भी हमें इंस्क्रिप्शंस मिले हैं उनमें ये हमने पाया है कि चामुंडा राया जो थे, ही वॉज द वन हु ब्रॉट टू नोटिस दिस स्टैचू ऑफ गोमतेश्वर और अरेंज किया इसको अनॉइंट करने का पूरा कार्यक्रम। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि जिस साइज का ये स्टैचू है उसी साइज का इनका ऑनाइंटेशन सेरेमनी या कॉन्सेक्रेशन सेरेमनी होना चाहिए। तो 13 मार्च को 981 CE में पूरी धूमधाम से इसकी कॉन्सेक्रेशन अनॉइंटेशन सेरेमनी की गई लॉर्ड गोमतेश्वरा की और ट्रेडिशन वहां से शुरू हो गया। अब हर 12 साल बाद इस स्टैचू को, लॉर्ड बाहुबली के स्टैचू को कॉन्सेक्रेट किया जाता है, अनॉइंट किया जाता है पूरे धूमधाम से। पूरी जैन स्क्रिप्चर्स में लिखी गई जो चीजें हैं उनको फॉलो करते हुए, उनको मानते हुए। तो बाहुबली के बारे में कुछ जानते हैं, ही इज अ मच रेवर्ड फिगर अमंग जैन्स। कौन थे ये? जो ऋषभनाथ थे, फर्स्ट तीर्थंकर थे जैनिज्म के, उनके पुत्र हैं। He was the son of Rishabhnath, Lord Bahubali और गोमतेश्वर। तो जैन mythology के according कहानी क्या है बाहुबली की, कि he is the one जो successful हुए थे in attaining liberty from worldly desires। तो जैन की philosophy यही है कि आपने संसारी जो desires है उनसे मुक्ति प्राप्त करनी है, और he was successful in attaining liberty। कैसे? थ्रू अ सस्टेन्ड पीरियड ऑफ मेडिटेशन। और कहा जाता है कि इस टाइम पे इवन प्लांट्स स्टार्टेड क्लाइंबिंग, प्लांट्स ग्रू अराउंड हिज लेग्स। अगर आप स्टैचू भी देखें तो देखिए ये
प्लांट्स अराउंड हिज लेग्स. तो ये यही दिखाता है कि खड़े होके इन्होंने मेडिटेशन करी थी और इतने लंबे पीरियड तक मेडिटेशन करी, इतनी स्थिर भावना से मेडिटेशन करी कि क्लाइंबर्स जो थे, पेड़ थे, इनके आसपास ग्रो कर गए थे, राइट. और इस लंबे पीरियड ऑफ मेडिटेशन के बाद बाहुबली को ओमनिसियंस, केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग, सुप्रीम विजडम की प्राप्ति हुई. तो जैन ट्रेडिशन में केवल ज्ञान है जो माना जाता है कि सारी सोल्स की एक इंट्रेंसिक क्वालिटी है, कि जो क्वालिटी है इसको मास्क करते हैं कार्मिक पार्टिकल्स और आपने इनको दूर भगाना है, ये प्राप्त केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए, कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग या सुप्रीम विजडम प्राप्त करने के लिए, राइट. देन तो स्टोरी क्या है बाहुबली की, कि एक रूलर थे और अपने भाई के अगेंस्ट ये जीत गए. लेकिन जब जीत गए तो अपने एक्शंस को लेके काफ़ी दुख में आए, काफ़ी ग्रीफ में आए, तो अपनी सारी पोजेशंस अबैंडन करके ओमनिसियंस, केवल ज्ञान की प्राप्ति पाने के लिए निकल गए. तो बुद्ध के जैसी कहानी, अशोक के जैसी कहानी भी आप मान सकते हैं. तो जैन पोएट थे एक बोपन्ना, वो लिखते हैं कि इन्होंने अर्थ को वापस दिया जैसे इन्होंने पूरा कॉन्कर कर लिया हो. संस्कृत टेक्स्ट लाइक आदि पुराण में इनकी कहानी मेंशन्ड है. इसके अलावा कन्नड़ा लिटररी टेक्स्ट और पोएम्स में भी बाहुबली चरित्र की कहानी फेमस है, राइट. ये थी कहानी बाहुबली की. अब बात करते हैं खजुराहो टेम्पल्स की. तो खजुराहो टेम्पल्स जो हैं, हिंदू और जैन टेम्पल्स हैं मध्य प्रदेश में, चंडेला डायनेस्टी ने बनाए 950-1050 CE के टाइम पे. यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ये. जो टेम्पल्स हैं अपने नगाड़ा स्टाइल आर्किटेक्चर के लिए फेमस हैं और साथ ही साथ इरोटिक स्कल्पचर्स के लिए फेमस हैं. जो टेम्पल्स हैं खजुराहो में, ये सैंडस्टोन में बने हुए हैं. ओरिजिनली जो हमें हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स मिले हैं 12वीं सदी के, वो ये बताते हैं कि 85 टेम्पल्स थे ओरिजिनली साइट में, अब उसमें सिर्फ 25 ही बचे हैं. इन 25 में केंद्रीय महादेव टेम्पल जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट है. इट इज डेकोरेटेड विद प्रोफ्यूजन ऑफ स्कल्पचर्स, बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पे स्कल्पचर्स मौजूद हैं. इंट्रिकेट डिटेल्स हैं उनमें, सिंबोलिज्म है और एक्सप्रेसिवनेस ऑफ एंशिएंट इंडियन आर्ट है. तो बहुत ही एक उम्दा कलाकारी का एग्जाम्पल है ये. ये जो केंद्रीय महादेव टेम्पल है, ये सबसे बड़ा सर्वाइविंग टेम्पल है खजुराहो में और एट्रीब्यूटेड टू किंग गंध. किंग गंधा से माना जाता है कि उन्होंने ये टेम्पल बनवाया था. टेम्पल्स का जो कंस्ट्रक्शन है, जो सारे जो शिखर हैं टेम्पल्स के, दे राइज हाई एंड अपवर्ड इन कर्व्ड पिरामिडिकल फैशन. हाई एंड अपवर्ड पिरामिड के तरीके में, कर्व्ड पिरामिड के तरीके में. और टेम्पल का जो वर्टिकल थ्रस्ट है उसको एम्फसाइज करते हैं. और टॉप पे एक हॉरिजेंटल फ्लूटेड डिस्क है अमलक, और उसके ऊपर एक कलश. तो ये जो पूरी लाइन है, ये लाइन डिस्क्राइब करती है नगारा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, राइट. इसके अलावा खजुराहो जो है वन ऑफ द फोर होली साइट्स टू बी लिंक्ड विद शिव. इसके अलावा केदारनाथ, काशी और गया है. तो चौथी साइट है खजुराहो. इसके अलावा विंध्यन माउंटेन रेंजेस में मौजूद हैं खजुराहो टेम्पल्स जो हैं. क्लस्टर्ड नियर वाटर हैं जो टेम्पल्स हैं, खजुराहो ग्रुप ऑफ टेम्पल्स हैं. ये एक टिपिकल फीचर है हिंदू टेम्पल्स का. देन सारे के सारे जो टेम्पल्स हैं दे फेस सनराइज एक्सेप्ट चतुर्भुज टेम्पल. तो ये भी एक हिंदू टेम्पल्स का फीचर है कि सूरज की तरफ फेस करते हैं. जो बचे हुए टेम्पल्स हैं उनमें 6 आर डेडिकेटेड टू शिव एंड हिज कॉन्सर्ट्स, 8 टू विष्णु एंड हिज एफिनिटीज, 1 गणेश को, 1 सन गॉड को और 3 टेम्पल्स जैन तीर्थंकर्स को डेडिकेटेड हैं. 3 ट्राइंगल्स दैट कन्वर्ज टू फॉर्म अ पेंटागन, ये इसका स्टाइल है कि 3 ट्राइंगल्स हैं और इस तरीके से वो ट्राइंगल जुड़ते हैं कि एक पेंटागन बन जाता है. इंट्रिकेटली कार्व्ड स्टैचूज हैं टेम्पल में और उसमें इरोटिक स्कल्पचर्स भी हैं जो सेक्सुअल थीम्स कवर करते हैं. बट ये जो हैं,
ये लेस देन 10% ऑफ द टोटल टेंपल स्कल्पचर है. तो ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ इरोटिक या सेक्सुअल स्कल्पचर्स ही हैं खजुराहो टेंपल्स में, उनके लिए बहुत ज्यादा वेल नोन है ये टेंपल्स. बट अगर हम टोटल स्कल्पचर्स देखें तो लेस देन 10% स्कल्पचर्स ऐसे हैं जो इरोटिक थीम्स के ऊपर बेस्ड हैं. इसके अलावा जो स्कल्पचर्स हैं वो डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ और वैल्यूज को कवर करते हैं. हर साल खजुराहो डांस फेस्टिवल यहां पे मनाया जाता है जो इंडियन क्लासिकल डांसेस कवर करता है और उनकी रिचनेस हमारे सामने पेश करता है. 6 दिन चलता है ये फेस्टिवल. कथक, ओडिसी, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथकली, मोहिनीअट्टम, सारे के सारे डांसेस यहां पे पेश किए जाते हैं. पूरा गैमूट ऑफ इंडियन क्लासिकल डांस जो है पेश किया जाता है और सेलिब्रेट किया जाता है. ये आपको साइट दिखाते हैं. ये कंदरिया महादेव टेंपल है, उसके बेसिस पे है खजुराहो टेंपल का या नगारा आर्किटेक्चर का पूरा ये प्लान है, राइट. ये आपके सामने गर्भगृह है जो मेन आपकी श्राइन है. ये शिखर है जो पिरामिडिकल तरीके में वर्टिकली राइज कर रहा है. इसके ऊपर ये एक हॉरिजॉन्टल अमलक है, उसके ऊपर ये एक कलश है, राइट. ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं. ये महामंडप है, ये वाला ग्रेट हॉल है. ये एक मंडप है जो रेगुलर हॉल है. ये अर्ध मंडप है जो एंट्रेंस हॉल है, राइट. और ईस्ट की तरफ फेस कर रहे हैं, सन की तरफ फेस कर रहे हैं कि सूरज उगेगा, सूरज को फेस करेंगे, राइट. तो ये ब्रॉड आउटलाइन है खजुराहो टेंपल्स का, कंदरिया महादेव टेंपल को एग्जांपल रखते हुए. और सिमिलर तरीके में बाकी नगारा टेंपल्स का भी आर्किटेक्चर है नॉर्थ इंडिया में. तो ये थी आज की प्रीक्योर की बेसिक कहानी. आपको प्रीलिम्स 2020 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं. हिस्ट्री के करंट अफेयर्स से शुरू किया है हमने 2018 के. आगे इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीक. तब तक के लिए थैंक यू एंड कीप ऑन वॉचिंग.